अब ये फॉर का लूप था हमारे पास, जिसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ दिया हुआ था, ठीक है, और इसकी बॉडी में फिर काम हुआ होगा। ये मैंने एक टेबल प्रिंट करने की एग्जांपल की। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको वाइल का लूप बताता हूँ। देखिए लूप्स में कोई फर्क नहीं है, फॉर का लूप या वाइल का लूप दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं, दोनों ही जो है किसी एक खास ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट एक फर्क है कि फॉर के लूप में हमारे पास तीनों बातें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ होता है, इसीलिए इस फॉर के लूप को गैदर्ड लूप भी कहते हैं। अदरवाइज दूसरे एंड पे वाइल का जो लूप है, देखिए वाइल का लूप इस तरह काम करता है कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज पहले ही कर दें एक आम वेरिएबल की तरह, ए इज इक्वल टू वन, ठीक है, फिर आप कंडीशन लगाएं वाइल, और वाइल के अंदर आप कंडीशन दे दें ए जब तक लेस देन 10 है तब तक ये कोड चलेगा, ओके। और इस कोड में मैंने वही अपना पूरा जो मेरा प्रिंटिंग थी वो मैंने दे दी, ठीक है भाई। अब इस सिचुएशन में ये एक इन्फाइनाइट लूप है, अभी तक जो कोड लिखा हुआ है इसमें एक इन्फाइनाइट लूप है, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, सही, और 1 लेस देन 10 होता है तो हमेशा ही लेस देन 10 होगा, तो वाइल तो चलता ही रहेगा, वाइल भी अपनी बॉडी को बार बार रिपीट करता रहता है अंटिल एक कंडीशन मीट ना हो जाए। अब ये जो कंडीशन इसके आगे लिखी है कि ए इज लेस देन 10, इसका मतलब है 1 इज लेस देन 10, तो ये लूप तो कभी रुकेगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट कहां किया जाए भाई, वो इंक्रीमेंट आप वाइल जहां एंड कर रहे हैं वहां पे इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। ये वाइल का सिंटैक्स है कि भी पहले आप ऊपर इस सिंटैक्स में सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज कर दें वाइल से पहले ही, वाइल के साथ आप कंडीशन लगाएं और वाइल के एंड में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लें जो भी आप कर। अब देखें इसका आउटपुट और मेरे फॉर के लूप के आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल सेम हमें आउटपुट, क्योंकि हमने कोड ही सेम लिखा हुआ था। एक फर्क आया, यहाँ पर 2 9s तक चल रहा है, 10 तक नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि हमने लेस देन 10 चेक किया है, इक्वल टू नहीं लगाया, तो ये जैसे 10 के बराबर होता है रुक जाता है, चलता नहीं। लेकिन अगर आप इक्वल टू 10 कर दें तो ये 11 पे जाके रुकेगा और 10 तक चला देगा, ठीक है जी, देखिए, ओके। तो इन दोनों के वर्किंग मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सेंटेक्स का फर्क है फॉर और वाइल में, ठीक है। एज यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट तो मैं इसकी और ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस भी है कि चले बताए तो फॉर का लूप हमें जब पता हो कि एंडिंग सिचुएशन क्या है, एंडिंग कंडीशन क्या है, तो हम फॉर का लूप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें पता ही ना हो कि कितनी रॉज हैं, अगर एक डेटाबेस है वहाँ से 1000 रॉज आ रही है या 2000 रॉज आ रही है, तो आपको पता नहीं होता कि आखिरी रॉ कब है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप वाइल का लूप इस्तेमाल करते हैं। वाइल जब तक डेटा मिलता रहे तब तक काम हो, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि वाइल का लूप और फॉर का लूप तकरीबन एक तरह काम करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म सेम, ओके। अच्छा एक चीज अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, फिर मैं डू वाइल का लूप पढ़ाऊंगा, जरा गौर करें। अगर मैं यहां लिख दूं ये, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा, मैंने कहा जब तक ए लेस देन या इक्वल टू 1 है तब तक चले, तो ये एक बार चलेगा, ठीक है। अच्छा अब कितनी बार चलेगा, अब ये चलेगा या नहीं? अब ये लूप अपनी बॉडी को रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात पहली बार में ही फॉल्स हो गई। ए इक्वल टू 1 है, हाँ जी है, व्हाइल ए इज लेस देन 1, जब ए लेस देन 1 हो तो ए लेस देन 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वाले लूप की बॉडी कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, देखें ये लूप नहीं चला, ठीक है। और अगर हम इक्वल टू लगा दें तो, क्योंकि इक्वल टू 1 तो एक बार तो है, ठीक है, तो अब ये लूप एक बार रन हो जाएगा, ओके, तो ये तो हो गया। इसी तरह हम एक और टेस्ट कर लेते हैं, फॉर के लूप के साथ भी ये प्रॉब्लम है, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, मैं फॉर का लूप चला के दिखाता हूँ आपको। प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली कि वो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो जाहिर सी बात है लूप नहीं चलेगा। अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू 1 है और ए लेस देन 1 हो तब तक चलना, तो ये लूप अब एक बार भी नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि वो कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये दोनों लूप हमारे उसी वक्त चलते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, ऐसी है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी लूप है जो एक बार तो चलना ही चलना, चाहे जो है वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक बार तो ये काम करना है। मैं उसकी वीडियो, अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डू वाइल का लूप कैसे काम करता है।